क्या आप भी बोरिंग न्यूज से परेशान हैं? हाँ भाई हाँ। क्या आप भी बोर होते हैं न्यूज देखते हुए? हाँ भाई हाँ। क्या आपको जिंदगी में कोई तड़का चाहिए, कोई मसालेदार न्यूज चाहिए? हाँ भाई हाँ। तो आप आए हैं सही जगह पे, और इस जगह का नाम है अरिष्टो न्यूज। अभी के अभी हमारे मेंबर बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाए। और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 2021 के एंड तक हम करेंगे भाई 32,000 सब्सक्राइबर। भाई देखते हैं होते हैं या फिर नहीं, भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो पहली न्यूज आती है हमारी फोर्ड से, जो कि हमारी बची नहीं है, और इस ब्रांड की जो नई वाली एंडेवर है उसकी टीजर वीडियो आ गई है ऑस्ट्रेलिया में। और जो नई वाली फोर्ड एंडेवर है उसमें आपको बहुत ही सारे बिट मिलने वाले हैं फोर्ड रेंजर से, जो कि अभी भी लॉन्च हुई है, और जिसकी जो वीडियो है मैंने कारवर्सल पे बना दी थी। और इस गाड़ी में आपको पहले से नई लाइट्स मिलती है, आपको नई बॉडी लाइंस मिलती है, साथ ही में आपको टेल लाइट्स भी नई मिलती है। और जो इंटीरियर है उसमें आपको बढ़िया बढ़िया फीचर मिलने वाले हैं, और आपको 10-12 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है। पर क्या करें, जो इसका इंडिया में लॉन्च है अभी कुछ पता नहीं है भाई, सकता है नहीं हो। तो भाई फोर्ड से दरख्वास्त है कि इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करे, और मैं कारवर्सल प्रो और एक एरिस्टोक्रेट आपको पक्का वादा करता हूं कि इस गाड़ी को एकदम बढ़िया फैलाएंगे दुनिया में और इसकी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो भाई से इंडिया में लॉन्च करो, और हाँ वो प्राइस सही रखना, ऐसा ना हो गाड़ी का प्राइस ही 1 करोड़ का हो जाए। और जो दूसरी न्यूज है वो भी हमारे फोर्ड से आ रही है, जिन्होंने कहा है कि इंडिया में जो अपने सर्विस सेंटर है उनमें से 90% एक्टिव रखेंगे वो अगले कुछ सालों के लिए, ताकि जो फोर्ड के कस्टमर है जिन्होंने इंडिया में गाड़ी खरीद ली है उन्हें बढ़िया सर्विस मिल पाए, और ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी की सर्विस हो नहीं रही और गाड़ियां खराब हो रही है। तो अगर आपके पास फोर्ड की गाड़ी है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से अपनी गाड़ी को चलाओ, मेंटेन करो, और भाई मजे लो फोर्ड की फैमिली वाली फीलिंग के। अगली न्यूज आती है किया से, जिन्होंने अपनी जो कैरेंज है इंडिया में लॉन्च कर दी है, जिसे किया कह रहे हैं कि एक रिक्रिएशनल व्हीकल है जिसमें आपको एसयूवी का और एमपीवी का दोनों का मजा मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर एमपीवी है जिसमें आपको थोड़े बढ़िया फीचर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग, या फिर आपको जो लुक्स है थोड़ी अलग सी मिलती है। और जिसका प्राइस है इंडिया में थोड़ा महंगा हो सकता है, थोड़ा सस्ता हो सकता है, कुछ हमें पता नहीं है, तो देखते हैं इस गाड़ी का प्राइस क्या होता है। और अगर आपको इस गाड़ी में एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए तो कारवर्सल पे अपलोडेड है, जाके देखो, बहुत ही मजे आएंगे आप सबको। और हमने उसमें जो अपना डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका भी इस्तेमाल किया था, आप कारवर्सल प्रो से और एरिस्टोक्रेट से इस गाड़ी पे एडवाइस ली थी, तो अगर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम रोज बातें करते हैं उधर, तो भाई ज्वाइन कर लो अभी के अभी। अगली न्यूज आती है दिल्ली सरकार से, जिन्होंने कह दिया है कि अगले साल से या फिर 1 जनवरी 2022 से दिल्ली में जो सारी डीजल की कार्स है जिनकी जो एज है 10 साल से ऊपर है उन्हें दिल्ली में डी रजिस्टर कर देंगे, मतलब इन कार्स की जो वैलिडिटी है एकदम खत्म हो जाएगी, आप इन्हें रोड पर चला नहीं सकते। और आपके पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन है इन गाड़ी को लेके, या तो आप किसी और स्टेट में ट्रांसफर करा दो एनओसी बना के, या तो इन गाड़ियों को स्क्रैप करा दो, या फिर इन गाड़ियों को घर पे रखो और घर पे आराम से मजे लो इन गाड़ियों के। पर क्या ही करोगे घर पे रख के, तो आपके पास यही 2-3 ऑप्शन है। पर इस वाले सिस्टम में मेरे ख्याल से कमी है, क्योंकि हो सकता है कि एक 2 करोड़ की गाड़ी हो डीजल की जो कि 10 साल पुरानी हो चुकी हो, पर लेकिन इस वाले सिस्टम से वो वाली गाड़ी भी खत्म हो जाएगी 10 साल बाद, और ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि जो महंगी कार्स होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनती है, तो इसलिए जो गाड़ियों के इंजन होते हैं काफी रिफाइंड होते हैं और साथ ही में काफी कम पोल्यूशन फैलाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल सस्ती गाड़ी जो कि 10 साल पुरानी होगी। तो मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ अलग से सोचना चाहिए था सरकार को, और देखो मेरे ख्याल से सोचेंगे, अगर उनमें दिमाग होगा, नहीं होगा तो भाई डायरेक्टली बंद हो जाएगी गाड़ी, और क्या कर सकते हैं। अगली न्यूज आती है लैटिन एनकैप से, जिन्होंने एक और गाड़ी की बेइज्जती कर दी है जिसका नाम है ह्यूंडई वर्ना, और ये गाड़ी भी गई थी अपना क्रैश टेस्ट कराने, पता नहीं क्यों इन्हें लगा कि इनकी बढ़िया रेटिंग आएगी, पर इस गाड़ी की लैटिन एनकैप ने जो बेइज्जती अच्छे से कर दी, और इस गाड़ी ने 0 स्टार रेटिंग स्कोर करी है जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बेकार है। और जो ह्यूंडई टूसन गई थी पिछले हफ्ते उसने भी यही वाली रेटिंग स्कोर करी थी, भाई लैटिन एनकैप वाले पता नहीं क्या ही सोच के टेस्टिंग कर रही है, या तो गाड़ियां खराब है या तो जो टेस्टिंग वाली कंपनी है वो खराब है। तो भाई मेरे ख्याल से अगर इसमें ह्यूंडई क्रेटा चली गई ना भाई, वो तो नेगेटिव में जाएगी भाई फिर। और भाई अगली न्यूज बताने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो सारे बटन है ना डिसलाइक वाले के
के अलावा सौर्य दबा देना भाई। अगली न्यूज है BMW की तरफ से, जिनके जो IX SUV है, इलेक्ट्रिक SUV है, उसका इंडिया में लॉन्च हुआ था 1.16 करोड़ रुपीस एक्सशोरूम इंडिया के दाम में। और मैं मानता हूँ कि इस वाले प्राइस पॉइंट में अभी फिलहाल इंडिया की बेस्ट इलेक्ट्रिक SUV है, क्योंकि जो इसमें आपको लुक्स मिलती है, जो इसका डिजाइन है, जो इसके फीचर है, काफी अलग से है, जो कि इसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बाकी सारी गाड़ियों से जो कि नॉर्मल चलती है इंडिया में। और इस गाड़ी की पहले दिन में जो सारे इंडिया में यूनिट्स थी पहले लॉट की, सारी बुक हो गई है। तो अगर आपको लेनी आप ले नहीं सकते। और जो गाड़ी की लुक्स अगर आप देखें, कुछ ज्यादा ही लक्सी है, जिसमें आपको पतली पतली लाइटें मिलती है, कुछ ज्यादा बड़ी ग्रिल मिलती है, और इंटीरियर में इस गाड़ी में आपको पता नहीं कैसी स्क्रीनें व्रीने मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, और जो प्राइस है मेरे ख्याल से वो भी इसका वाजिब था। अगली न्यूज है हम सब कार बायर्स के दुख दर्द की, जिसमें इंडिया में अभी फिलहाल 7 लाख गाड़ियों पे पोस्टपोन बुकिंग चल रही है, मतलब गाड़ियों की डिलीवरी अभी देना रहती है पर बुकिंग हो चुकी है। और ये सब सिर्फ जो चिप शॉर्टेज है उसकी वजह से हो रहा है, और अगले साल 2022 में ये काफी कुछ बढ़िया हो जाएगी एज कम्पेयर टू अभी। तो इसलिए भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले साल जो कार इंडस्ट्री है काफी बढ़िया परफॉर्म करेगी एज कम्पेयर टू 2021। तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है, अगले साल आपको गाड़ी बढ़िया मिल जाएगी। और जो कार्स है जिन पे ऐसा आ रहा है कि 2023 की डिलीवरी है, तो वो डिलीवरी आपको पहले मिल जाएगी कुछ महीने आपके जो डेट आई है उससे, क्योंकि जो कार मेकर्स है पहले बहुत ही बड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं डिलीवरी डेट में, ताकि जो कस्टमर है बाद में से चिल्लाए ना कि मेरी डिलीवरी डेट आ गई है लेकिन गाड़ी तो अभी आई नहीं। और आपको एक स्नीक पिक देता हूँ कि शायद अगले महीने जनवरी में हम सारे कार्वसल प्रोज की और एरिस्टोक्रेट्स की जो XUV700 है शायद उसकी डिलीवरी आ जाएगी। तो देखते हैं भाई आती है या फिर नहीं। अगली न्यूज आती है टोयोटा की तरफ से, जिन्होंने कह दिया कि 2022 के पहले महीने में या फिर जनवरी में वो फॉर्च्यूनर का और इनोवा का जो प्राइस है पहले से बढ़ा देंगे। और भाई मेरे ख्याल से जो पिछले 15 महीने में प्राइस इंक्रीज आए गाड़ियों में, मेरे ख्याल से आज तक नहीं आए होंगे, क्योंकि भाई हर दूसरे महीने जो कार मेकर है गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। तो भाई ये जो इन्फ्लेशन है कुछ ज्यादा बढ़ रही है, और भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ साल रुक जाओ, जो फॉर्च्यूनर है उसका जो टॉप मॉडल है 60 लाख का आपको मिलने वाला है, और जो इनोवा है उसका टॉप मॉडल आपको 40 लाख का मिलने वाला है। और इन सब में पता है प्रॉब्लम क्या होने वाली है, कि जो प्राइस इंक्रीज है वो तो हो रही है, और मान लो कि अगले 6 महीने में जो कमोडिटी प्राइस है वो नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, तो तब अगर जो कार मेकर है अपने प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तब असली बात है। और सेकंड चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी सरकार है भाई उसे भी GST थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम करते हैं तो भाई जो एक 10 लाख की गाड़ी है आपको 1 लाख कम में मिलने वाली आसानी से, और 1.5 लाख भी हो सकती है। तो भाई इससे सबको ही फायदा है, हमें भी फायदा है, सरकार को थोड़ा कम फायदा है, और जो डीलरशिप्स है जो कार मेकर है उन्हें भी बहुत फायदा है। तो भाई कम कर दो, सबका फायदा है। अगली न्यूज है हमारी टोयोटा की तरफ से, जो कि इंडिया में तो कुछ नहीं करते लेकिन जो उनके इंटरनेशनल प्लान्स है उन्होंने वो आउटले कर दिए, जिसमें ब्रांड ने कहा है कि 2030 तक ये ब्रांड $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। और इसलिए इस ब्रांड ने अपनी कॉन्फ्रेंस में अराउंड 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो कंसेप्ट वर्जन है वो शोकेस करे थे, जिसमें छोटी SUVs थी, बड़ी SUVs थी, ट्रक थे, बसेस थे, और ये पता नहीं डिब्बे वाली गाड़ियां थी। तो भाई टोयोटा भाई मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में भी थोड़ा बढ़िया काम करो, इंडिया में जो RAV4 है या फिर CHR है अपनी, कोई भी गाड़ी मान लो इंडिया में लॉन्च करो जो कि कंज्यूमर प्रेफर करे। और जो लास्ट न्यूज है वो स्कोडा की तरफ से आती है, जिन्होंने कह दिया है कि 2022 के पहले महीने में ये ब्रांड अपनी जो गाड़ियों का प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। और टाटा मोटर्स ने भी कह दिया है कि 2022 के पहले महीने में वो अपनी गाड़ियों के जो प्राइस है इंक्रीज करेगा। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही यार, इतना क्या बढ़ गया रॉ मटेरियल का प्राइस की हर दूसरे महीने जो कार मेकर है गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। पर भाई उन्हें पता होगा हम तो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। भाई यही था इस वाले कार न्यूज में, और बाकी हमारे दोनों चैनल्स को, अरिस्टो कार को, कारवसल को, दोनों को सब्सक्राइब करना, और साथ ही में दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ताकि आपके मजे लगे रहेंगे, हम सारे बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं डिस्कॉर्ड पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और यूट्यूब पे तो करते ही है। और थैंक यू यार।